आप देख रहे हैं भूमि टीवी, मैं हूं संतोष कुमार। खाटू श्याम मंदिर बीरबल साहनी मार्ग पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यह भागवत कथा कनानिया परिवार द्वारा आयोजित की गई है, जो अपने पितरों की शांति के लिए इस भागवत कथा को आयोजित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है, पीछे बाबा की मूर्ति है और कथा प्रवचन चल रहा है। लोग तन्मयता से उस कथा को सुन रहे हैं। ये वृंदावन से आए हुए कथावाचक हैं, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं और जिनकी कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भागवत कथा जो है पितृ कल्याणार्थ हेतु कनानिया परिवार द्वारा ये प्रारंभ किया गया है और 21 तारीख को प्रातः कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई है और मंगल कलश यात्रा के साथ कलश यात्रा शिव श्याम श्री मंदिर श्याम मंदिर पहुंची है और श्याम मंदिर पर कलश यात्रा पहुंचने के बाद यज्ञ का पूजन पाठन प्रारंभ हुआ है और उस प्रारंभ के साथ साथ जो है भगवान की कथा 4 बजे से लेकर 8 बजे तक नित्य प्रतिदिन 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कथा रखी गई है और 28 तारीख को भागवत कथा का विश्राम दिवस है। 28 तारीख को यज्ञ के साथ भंडारा और उसके साथ विश्राम दिवस है और ये कनानिया परिवार लखनऊ द्वारा किया गया है और समस्त कनानिया परिवार के युवा वृद्ध बाल बंधु सखा सब एक साथ सम्मिलित होकर इस कथा में अपने पितरों के कल्याण के लिए बिल्कुल श्याम मंदिर में उपस्थित हैं और लगभग 100-125 लोगों का ये पूरा परिवार है और ये परिवार एक साथ एक बंधु ये सप्तद्वीपीय कार्यक्रम में भगवान भागवत की कृपा पाने के लिए और अपने अपने पितरों से कल्याण की प्रार्थना करने के लिए समस्त कनानिया परिवार यहाँ पर एकत्रित होकर श्याम मंदिर बीरबल साहनी मार्ग पर भगवत कथा सुन रही है और भगवत कथा पितरों के कल्याणार्थी हो रही है। मैं सुभाष अग्रवाल कनानिया परिवार का एक सदस्य हूँ। यहाँ पे भागवत किससे संबंधित जो भी झांकियों के कार्यक्रम है वो सारे किए जाएंगे 7 दिन और भोजन प्रसाद का कार्यक्रम है 28 तारीख को। सारा 28 तारीख को जब पूजन समाप्त होगा हवन के साथ उसके बाद भंडारा किया जाएगा 28 तारीख। लगभग 200 से 250 आदमी अभी फिलहाल आ रहा है आज और कल में और हमको लगता है ये संख्या बढ़ के 1000 तक जाने की उम्मीद हम लोग को लग रही है कि आखिरी दिवस जो है वो 1000 सदस्य हमारे हो जाएंगे। इसमें भक्तों के लिए तो समझिए एक साथ 56 भोग बनता है जिसको हम लोग 56 भोग का नाम देते हैं। होता वही सब्जी पूरी वगैरह है जो भी है, खीर है, सब्जी है, पूरी है, उसको वितरण किया जाएगा यहाँ पे। पहले हमारे गुरु जो कथा कर रहे हैं कथावाचक वो लोग ग्रहण करेंगे, उसके बाद में आम जनता के लिए होता है ये। और बाकी तो सब लोग खाएंगे इसमें, इसमें कोई वो है ही नहीं कि हम किसी के बारे में अलग से कहें। और आप लोग भी उसमें उस दिन आमंत्रित हैं, आप सबको लेकर के आए और सब जने आके खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम अगर कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कथावाचक के बारे में कुछ भी कहना अब नीरज के शास्त्री जी वृंदावन नाम से हैं जो कि कथा कर रहे हैं, इनके बारे में मैं कुछ कहूँ अपने मुंह से कोई अलग 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 नहीं, रोज यही आएंगे, रोज यही व्यास पीठ से तो जो कर रहे हैं वही करेंगे। इनके बारे में हमें कहना अपने लिए हिसाब, हमारा कोई शब्द नहीं उनके लिए। हमने कनानिया परिवार के आयोजकों से बात की, उनका कहना है कि यह कथा प्रवचन और भागवत कथा का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि लोग आए और भागवत कथा का आनंद ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।